भाई YouTube चैनल, और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जो कि बुलेट के ऊपर है, क्लासिक 350 के ऊपर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो हैंडल बार है वो कैसे चेंज करते हैं, और इसमें आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं वाइड हैंडल बार जो कि थोड़ा बड़ा भी है, और थोड़ा मतलब उसके फायदे भी बताऊंगा, और उसके मतलब थोड़ा जो भी है उसके बारे में मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। सो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हैंडल बार अपना जो क्लासिक 350 का होता है वो कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि हैंडल बार मैंने जो लाया है वो वाला हैंडल बार ये है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये हैंडल बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब गाड़ी पे लगाने के बाद समझेगा कि हाँ ये कैसा लग रहा है। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे चेंज करना है इसको। तो गाइस अभी इसको खोलने के लिए हम लोगों को पहले ये स्विच दोनों निकालना पड़ेगा, ब्रेक लीवर निकालना पड़ेगा, मिरर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में जो ये हैंडल बार का नट होता है, यहाँ पे दो नट होता है और यहाँ पे दो रहता है, ये इसमें 17 नंबर का पाना लगता है और इसमें 13 नंबर का लगता है जो ये आप लोग देख रहे हो। इसमें ये दोनों खोलने के बाद हमारा हैंडल पूरा बाहर आ जाएगा। सो अभी मैं आप लोगों को खोल के दिखा दूं कि इसको कैसे खोलते और इसके लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं गाड़ी में वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हम लोग ये हैंडल के साथ। तो आइए इसको दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी मैंने फ्लट का जो हैंडल बार लाया था वो इसमें इंस्टॉल कर दिया है। सो लुकिंग वाइज तो गाड़ी आप लोग देख ही सकते हो कि कैसी लग रही है, और इसके इसको चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये वाइड बार हैंडल है तो अपने को सबसे पहला इसका क्लच केबल चेंज करना पड़ता है, और जो अपना एक्सीलेटर वायर रहता है उसको टाकी के ये साइड से अपने को ये साइड लेना पड़ता है, मतलब खाली साइड बदलना पड़ता है उसके, और उसके बाद में अपन क्या बोलते हैं जो वायरिंग वगैरह होता है ये आपको जो डूम रहता है हेडलाइट का, वो हेडलाइट का डूम खोल के जो वायरिंग आपका है वो खींच के थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है। तो अभी यहाँ तक तो हमारा पूरा काम डन हो गया है, अभी हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे साइड मिरर जो कि मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने हैंडल बार फिट कर दिया है, और जो मिरर आप लोग देख रहे हो और ये मैंने मतलब शॉर्ट है शॉर्ट मिरर इसको बोल सकते हैं, एक साइड मिरर। तो अभी हम लोग इसको इसमें फिट कर दिया है। सो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पीछे से क्या आ रहा है इसका। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये सामने से भी अच्छा लग रहा है और पीछे से भी, मतलब जहाँ से हम लोग बैठेंगे वहाँ से भी लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी दिखाया है कि मैंने बुलेट 350 में इसका हैंडल बार वाइड हैंडल बार इंस्टॉल किया है। अगर
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें।